पापा हमने गोटे मेहंदी लिखवानी है। यस। उस पे ईद मुबारक लिखना है। तो ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इसे अगर इंग्लिश में लिखना है तो मत मुंह पीछे कर ला। फ्रेंड्स आज बकरों के साथ हमारी भी लगनी है। मीम आपने क्या डाल दिया, ये क्या है? ये मीम अब वो इतना हिल रहा है आपका। मैंने सिर्फ हाथ बनाना था। हाथ बनाना है सर। मेरी मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गई है और ये है मेरा डिजाइन। मेरी बारी। और मेरे वो कहीं और शॉप थे, अब कहीं और शॉप में जाने, वहाँ पे पसंद तो आया था। हम कह रहे थे कि आज की जो हमारी फाइनल शॉपिंग थी वो हो गई है कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल है बकरा ईद और आज है बकरों का आखिरी दिन। और बच्चे आज सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं कि पापा हमने आज बकरों के साथ टाइम गुजारना है। तो चले बकरों के साथ टाइम गुजार लो यार। कल आपको पता है कि आज आखिरी दिन है और कल जितने भी हमारे ये गोट हैं ये कल हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। क्या कह रहे हो पापा? हमने गोटे मेहंदी लिखवानी है, उस पे ईद मुबारक लिखना है। और बच्चों ने ये जिद किया है कि पापा हमने बकरों के ऊपर लिखना है मेहंदी के साथ ईद मुबारक, तो लिखते हैं। और ये हैं माशाल्लाह, ये जो बकरे हैं ये हैं हमारे बकरे, ये वाले दो, ये वाले एक, ये वाला ये भी हमारा है और साथ में वो वाली हमारी, ये काओ खड़ी है ये भी हमारी है। इसको हम लेके आए थे कल को। कौन से वाला? हाँ वो तो जा रहा है ना, उसे जाने दो। तो अनाया तो बड़ी एक्साइटेड है, कह रही है कि मैंने पापा इस पे वाइट वाले पे लिखना है ईद मुबारक, एक मैंने अपने बकरे पे लिखना है ईद मुबारक। और ये शाल कह रही है लिखा जाएगा। यार तो मैं कह रहा हूँ ट्राई तो करें दो, वो लिखती तो लिखने दो। तो अनाया ये बताओ आप लिख लोगी? यस। तो मेहंदी आ गई है आपके पास, अनाया के पास मेहंदी है। तो ओ मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको खड़ा करके लिखना है। यार बैठ के लिख लो, खड़ा होके आप डरोगे। ऐसे बड़ा ईजी होगा लिखना ईद मुबारक। ये देखो ना बिल्कुल साफ स्लेट की तरह साफ इस वक्त वो। तो मैं तो कहता हूं लिख दो इसके ऊपर। नहीं खड़ा होगा तो ज्यादा। मैं लिख दूं फिर इस पे। और खड़ा होगा फिर वो तो हिलेगा, फिर आप डरोगे। मैं लिख देती हूं। ये देखो ना हम ऐसा करते हैं कि इशार आप हो जरा, पता आप सारा दिन तो पेंटिंग करती रहती हो, आप क्यों नाराज हो गए हो? तो मैं यही कह रहा हूँ उसको बैठे के लिख लो। चलो इंग्लिश में लिखना है उसके पास। तो चलो ये पेंसिल इस्तेमाल कर रही हो उसके तुमसे ना हो पाएगा। पास जाओ ना, वो भी देख रहा है कि कर क्या रही है। इसका डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा डर आपको लग रहा है कि पता नहीं इसने आपको कुछ कह देना है। वो कुछ भी नहीं कहेगा। ओए गंद ना मार यार, ऐसे ना लिखो। अगर आप इंग्लिश में इजीली लिख सकते हो तो आप लिख दो, लेकिन आप यार आप ऐसे ना स्टार्ट करो। ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इसे अगर इंग्लिश में लिखना है तू मत मुंह पीछे कर ला। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ई, यहाँ से ई ई और आगे स्टार्ट कर लो। ऐसे कर लो ना फिर ई बड़ा सा लिखना है। ईद ई लो जी। कि आप उस तरफ कहाँ पे जा रहे हो? उधर कहाँ जा रही हो ना यार? मैं लिख देती हूँ। चलो ये शाल कहती है, आप शाल को देखो कैसे लिख रही है, फिर आप लिख देना। बकरा भी देख रहा है कि पता नहीं क्या ये पंगे ले रहे मेरे साथ। हिल तो ना, कुछ नहीं कहेगा। ये जहाँ भी बैठे है ना बिल्कुल सही बैठे है, क्योंकि खड़े हो गए तो फिर आपसे ये चलो चलो मैं इसका मैंने अब कान पकड़ लिया। आप लिखो फ्रेंड्स आज बकरों के साथ हमारी भी लगनी है। आए मुझे सबसे ज्यादा मजा मेहंदी का आता है। फ्रेंड्स तो आज बकरों की तो मेहंदी लगी रही है और आज इनके भी मेहंदी लगेगी। कहाँ तक पहुँची आपकी मेहंदी? मुबारक मुबारक है, मुबारक आज। अनायास का सीन पकड़ के पीछे करो। शाल वैसे आप सारा दिन घर बैठे पेंटिंग करते रहते हो कलर्स के साथ, आपसी मीम आपने क्या डाल दिया, ये क्या है? आपका पापा मीम आप डाल दीजिए तो मेरे वाले ऐसे भी खराब होगा। इसका मुझे लगता है कभी फिर से कान पकड़ना पड़ेगा। चल 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 यार शबी, आ देखिए शाल ना मुबारक लेकर आई है।
ये कड़ा ईद मुबारक है मेरा यार, ये मुबारक आप कैसे लिख रहे हो यार, ये दो चीजें क्या है, पता नहीं ये क्या कर रहे हो, चलो शाल ये पता नहीं क्या कर रहे हो, मुबारक उसका ठीक ठीक तरह लिखो ना, ये ईद में यार लिख दिया चलो ठीक है लिखो अब इसको ना, वो ऐसा करो ये दो जो डॉट्स हैं इसे इकट्ठा कर दो, चल जो आप कर दें दिखाओ, ईद मुबारक लो, पता नहीं अब आपने बताना है कि आपको क्या यहाँ पे समझ आ रही है किसने लिखा गया है, लो जी थोड़ा बकरा हो गया, अच्छे से कर लो, क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छे से कर लो, हाँ आराम से करो, वो भी आराम से मेहंदी लगवा रहा है लेट के, इसे मजा आ रहा है, हमें भी बहुत मजा आता है जब मेहंदी लगाते हैं ना, तो देखो बकरे ने टांग उठा ली है, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ में मेहंदी लगाओ, ये देखो जो छुप गया, कह रहा है मुझे कैमरे के सामने ना लाओ, वो कह रहा है कि मुझे शर्मा रहा है, चलो देखते हैं कब तक सूखता है, सूख के हमें पता चलेगा कि मेहंदी कैसी लगी है, ठीक है चला, अरे अब तेरी बारी है, अब हम दूसरे बकरे के लगाते हैं, दूसरा बड़ा भी आराम से बैठा हुआ है, तेरी लग गई, चल बकरे तेरी बारी आ गई मेहंदी लगन दी, आ जा इसके किधर लगाऊं, इसके आप ये देखो ना, ये इसके बिल्कुल दरमियान में खाली है, वाइट वाइट जगह ना जो जितनी भी यहाँ पे लिख दे, देखते हैं मैं प्यारा देख सकती है कि नहीं, बिस्मिल्लाह इंग्लिश में लिख दो, बस आप ईद लिख दो, बस मुबारक मैं ले रहा हूँ, हाँ बकरे मेहंदी लग रही है, ये अपनी ख्वाहिश के जा रहे हैं, अभी राय मत ए चिकाली कर रहे हैं दोस्त, अरे पेंसिल नहीं कर रही हो नया, ये हाथ ना लगाओ, आप हाथ लगाओगे ना तो फिर आपके हाथ ये मेहंदी लग जाएगी, फिर हम घर में कैसे कैसे मेहंदी लगाएंगे, मैं लिख दूं ईद इंग्लिश में तो मैं ऐसे लिख दूंगी, नहीं नया मुझे नहीं लगता कि आपसे मुझे लग पाएगी, प्रिया जी ये ईद आ रही है और इसका ई देख ले, तू कौन सी स्कूल जाती हो, मैं बेटा छोड़ दे पढ़ना, लिखना ही नहीं है, ये शिव अब शबी कह रहा है कि मेहंदी मैं लगाता हूँ क्योंकि इनसे मेहंदी निकल ही नहीं रही, अब ये आ गए जी ई आई डी, शबी देखो शिशाल देखो लग गई मेहंदी, लग ही गई है, पता नहीं इनकी फुटकी पई है, छोड़ो आप ना ओ अपने, मुझे लगता है कि उसके ना गुदगुदी हो रही है, और ईशान ने इस वक्त बकरा पकड़ लिया कि वो हिले ना और इसके मुबारक सही से लिखा जाए, जी माशाल्लाह ईद मुबारक इससे भी लिखा गया है, और वो बकरा भी देख रहा है कि कैसी लग रही है, बच्चे बहुत सही लग रही है, मैं कहता हूँ बस करते हैं, बाकी जो है मेहंदी लगी है इतने काफी है, बाकी आप उन्हें खाना खिलाओ आज, इन्हें आप वो पट्ठे खिलाओ, इन्हें दाना चोकर जो भी खिलाते हैं वो सब खिलाओ, पानी पिलाओ और बस करो। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है सुबह हमने लगाई थी बकरों के ऊपर मेहंदी और अब बारी है हमारे प्यारे प्यारे हाथों पे मेहंदी लगाने की, और मैं तैयार बैठी हूँ, मेरे मेहंदी भी रखी हुई है यहाँ पे, बस मेहंदी वाली का इंतजार है, हाँ जी हमारी मेहंदी वाली आ गई और मेरी मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गई है, और ये है मेरा डिजाइन, मेरा आपसे ज्यादा बन गया है, बस फिंगर्स का रहते हैं, अब कैसी लग रही है आपको मेरी मेहंदी, मेहंदी मेरे एक हैंड पे लग गई है, अब दूसरे हैंड पे लग रही है, ये क्या इंग्लिश है, इसकी एक हैंड पे लगी है, वन हैंड कह दो एक हैंड, मुझे वो जो पिक है ना वो तो बंद हो गई, उस पर प्यारे लगे थे उनके हैंड, क्योंकि नेल्स कितने बड़े बड़े प्यारे लग रहे थे मेरे, और ये पतले से हैंड मेरे, क्या है मेरा डंडा है, तो फ्रेंड्स अब मेरी बारी और मेरी मेहंदी लग गई है, आप कमेंट से बताएं कैसी लग रही है, इतना आपके बाजू भी नहीं है, चलो इतना A few moments later. So friends, अनाया के दोनों हैंड पे मेहंदी लग चुकी है, आप बताएं अनाया के कौन से हैंड की ज्यादा प्यारी है मेहंदी, और आप भी बताएं के शालप की ज्यादा प्यारी है, एक तो ये है मेरी ज्यादा प्यारी है, मेरी मेरी कमेंट्स में बताएं,
जी फ्रेंड्स, तो बच्चों की लग चुकी है मेहंदी। आपको दिखाते हैं कि अनाया की और शाल की मेहंदी कैसे लग रही है। पहले हम आते हैं अनाया की तरफ। अनाया, ये देखे जी अनाया के हाथों की मेहंदी। अनाया, तो ये बताओ आपने मेहंदी कहाँ कहाँ पे लगवाई है? ये तो हैंड्स पे ना, और इधर भी लगाई, इधर के तो सारी उतर गई। इधर की उधर क्यों गई है पता नहीं, और मैंने फुट पे भी लगाई है। वाओ, अच्छी लग रही है ना? हाँ जी। तो अब ठीक हो? सुबह से आप मुझे कह रहे थे कि पापा मैंने मेहंदी लगवानी है, ईद है। अब मेहंदी लग गई, अब कुछ रह तो नहीं गया आपका? अब आपने सोना है। अभी आता हूँ आपकी तरफ, पहले मैं इशाल की मेहंदी देख लूँ कि इशाल की मेहंदी कैसी लगी। इशाल आप दिखाओ। वाओ, यहाँ पे लगाई है और अंदर भी लगाई है। अच्छा, अंदर भी लगाई है और पाँव पे भी लगाई है। यार, पाँव पे क्यों लगाती हो? आपने शूज पहने नहीं? फिर ऐसे करो, मैं कहता हूँ कि आप शूज पहनो ही ना, ऐसे फिरते रहो, ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई शूज पहने हुए हैं। ये नहीं नहीं नहीं, हाँ दिखेगी मेरी मेहंदी, दिख जाएगी शूज से। यार ये देखो ना, उसने स्टाइल भी शूज वाले दिए हुए। शूज अब लेके क्या करने हैं? अब तो क्या टाइम हो गया, सुबह हमें आ गई है, वो सुबह ईद है। आप शूज क्या करने हैं? अभी तो ईद है ना, तो अभी दुकानें खुली होंगी, वैसे जो भी टाइम हो चले। टाइम की बात नहीं है, अब हमें वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। कल हम होके आए हैं, कुछ मिला है आपका? अगर आपको शूज नहीं मिलते फिर मैं आपसे, आपने सोना फिर किस टाइम है? वो कहीं और शॉप थे, आपके यहाँ शॉप में जाने, वहाँ पे पसंद तो आया था। हम कह रहे थे कि दूसरी शॉप में देख लेते, अगर वहाँ पे पसंद आए तो हम वो ले लेंगे। मतलब आप मुझे आज आपने फिर मुझे सोने नहीं देना। चलिए, मुझे यह नया लेके आई है क्लाइव पे, देखते इसको यहाँ पे कुछ पसंद आता है कि नहीं। इसने एक शूज सिलेक्ट किया है और बताएं आपके ये शूज इसके कैसा लग रहा है? आप बताओ। तो मेहंदी भी नजर आएगी, तो फिर अगर ये आपको पसंद है ऐसा करो, ये भी देख लो, साथ में कोई और ऑप्शन भी देख लो। ठीक है, जाओ जल्दी करो फिर। मैंने ये शूज फाइनल कर दिए, इसका बिल करवा दे। ये अब देख लो, फाइनल है फिर खर्चा क्यों? ये नहीं करा है, ये मैच नहीं किया, ये नहीं करोगे ना? चलो ऑफिस इसका बिल करवाते हैं, चले यहाँ से। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।